हेलो एवरीवन, आप सभी को नवरात्रि के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के लिए बहुत ही हेल्दी स्मूदी बनाएंगे। ना हम इसमें मिल्क का यूज़ करेंगे, ना हम शुगर का। इसको बनाने के लिए हम आलमंड मिल्क का यूज़ करेंगे। बादाम का दूध कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। आलमंड मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले हम बादाम को 4 घंटे के लिए भिगो देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप गर्म पानी में 1/2 आवर के लिए भी सोक कर सकते हो। उसके बाद इसको पील करके ये जो मिक्सी का सबसे छोटा ग्राइंडर जार होता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि ये दाने नहीं आते और एक स्मूथ पेस्ट बन जाती है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी और डाल के इसको चला लेंगे। 15 आलमंड से हमें लगभग 1/4 ग्लास दूध हमें मिल जाएगा। स्मूदी बनाने के लिए हम बनाना का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर फ्रोज़न बनाना यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो पके हुए बनाना भी यूज़ कर सकते हो। फ्रोज़न बनाना से क्या होता है कि स्मूदी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी आता है। अब मैं बनाना को पील कर लूँगी और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। आप 2 बनाना यूज़ कर रहे हो तो आप एक फ्रोज़न ले सकते हो और एक सिंपल पका हुआ ले सकते हो। अब ग्राइंडर जार में बनाना डालेंगे। बनाना के साथ इलायची ज़रूर डालनी चाहिए, इससे डाइजेशन अच्छा होता है। और थोड़ा सा आलमंड मिल्क डालकर इसकी एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। अब ये देखो कितना क्रीमी और कितना अच्छा टेक्स्चर आया। फ्रोज़न से यही होता है, आपका टेक्सचर बहुत अच्छा था। फिर जो बचा हुआ आपका दूध है वो ऐड कर दोगे। और मैंने ये केसर का पानी, केसर को भी मैंने भिगो दिया था जब बादाम भिगोए थे, और ये पानी डालकर फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। हमारा स्मूदी का बेस बन के रेडी हो गया है। और इसको और फिलिंग बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे बहुत सारे सीड्स और नट्स। आपको जब भी स्मूदी बनानी हो तब सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स इकट्ठे सोक कर दो। मैंने जब बादाम सोक करे थे तभी मैंने वॉलनट्स और पम्पकिन सीड्स सोक कर दिए थे। कैश्यूज़ मैंने सोक नहीं करे, वो वैसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैंने इसे गार्निश करा बादाम, कटे हुए बादाम के साथ, काजू के साथ, पम्पकिन सीड्स, वॉलनट्स, और मैंने इसमें डाले कोकोनट फ्लेक्स। कोकोनट फ्लेक्स मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। और अगर आपको इसको और मीठा करना है तो आप इसमें डेट्स ऐड कर सकते हो। मुझे नीड नहीं थी तो मैंने इसमें नहीं ऐड करी। ये बहुत ही हेल्दी स्मूदी है और ये आपको काफ़ी लंबे टाइम तक फिल रखेगी। आप इसको ब्रेकफास्ट या लंच में ले सकते हो। रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर करना। और मैं आगे बहुत सारी नवरात्रि की रेसिपीज़ लेके आऊँगी। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय। जय माता दी।